अभी यहाँ पर हम बेलगाम से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर धर्मापुर करके गांव है, हाईवे से तकरीबन 1.5 किलोमीटर आता है। यहाँ पर ये रेती निकालते वक्त यहाँ पर इनको छोटे छोटे सांप दिखाई दिए हैं, और मेरे ख्याल से धारीदार ढोरिया नाम का एक सांप अभी बाहर निकलता है, जिसका हम वीडियो बना चुके हैं। कुछ ही दिनों में वो आएगा, शायद आके गया भी होगा, क्योंकि ये वीडियो निकालने का पता नहीं वो डाला होगा या नहीं पता नहीं है। फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक किंचुली दिखाई दे रही है सांप की, ऐसे गैप में वगैरह वो रहते हैं। अभी हम कोशिश करेंगे कहाँ पर वो छुप के वगैरह बैठे हैं। आप थोड़ा पकड़ लीजिए, इधर उंगली नहीं करना, आराम से पकड़ो, आराम से। मेरा अंदाजा वैसे गलत निकला है, ये ढोरिया नहीं बल्कि कौड़ियाला करके सांप है, और दूसरे भी ऐसे हो सकते हैं, मुझे कम ये लग रहा था। ऐसे कभी कभी अंदाजे गलत हो जाते हैं। ये भी रात में निकलने वाला सांप है, देखो किस तरह से आके बैठते हैं, रात में पूरा निकलता है, और उससे तो ज़्यादा पता नहीं होता, लेकिन बड़ा सांप इसका हम वीडियो पहले ही बना चुके हैं। यहाँ पर दूसरा सांप आपको दिखाई देता है किस तरह से बैठा हुआ है। अब नजदीक लो, थोड़ा नजदीक लो, नजदीक लो आराम से। ये देखो किस तरह से दूसरा सांप भी यहाँ पर बैठा हुआ है, और ये कौड़ी वाला सांप है, और दोनों भी बड़े दिखने में छोटे सांप है, लेकिन दोनों में बड़े सांप है, और काफ़ी इतफाक से दोनों का रंग भी सेम लग रहा है, लेकिन डिज़ाइन थोड़ी सी अलग दिखाई दे रही है। अब दूर ले सकते हैं, दूर ले। और एक है क्या इसमें? हाँ, और एक है छोटा वाला। ये देखो, ये दोनों भी बड़े सांप है। ये दोनों ज़्यादा काटने वालों सांपों में से इसका हम नाम लेते हैं, क्योंकि बहुत गुस्से वाले सांप रहते हैं, लेकिन जहरीले बिल्कुल नहीं रहते, और रात में निकलने वाले सांप, और काफ़ी पुराने घर में इनको मैं पकड़ता हूँ, बल्कि बेलगाम सिटी में 90% मैंने सांप पकड़े, गाँव में ज़्यादा बहुत ही कम दिखाई देते हैं, और चिपकली इसका पसंदीदा खाना होता है। ये ज़्यादातर काटने वाले सांप होते हैं, दोनों एक तरफ एक साथ पकड़ना खतरनाक भी हो सकता है, इनका स्वभाव शांत है, इसलिए बहुत ये लग रहा है। थोड़े रुकिए, और भी आपको और एक दिखाई दिया ना? हाँ, और एक दिखा है, तो वो भी अब कोशिश करेंगे, इसको पहले बंद करते हैं। वो भी काटने का निकालू? बंद कीजिए अभी थोड़ा, ये काला वाला नहीं, व्हाइट है ना वो। यहाँ तोर से ना, और इसको मैं एक सांप दिखाई दिया है इनको, थोड़ा ये भी निकाल के देखते हैं हम, आराम से पकड़िए। ज्यादातर गैप में वगैरह दिखाई देने वाला हिसाब गया। तीसरा साहब इसमें जो छोटा दिखाई दे रहा है, दूर लीजिए अभी। इसी तरह से एक ही जगह पर ये तीन सांप यहाँ पर मिले हैं, इसमें से ये थोड़ा छोटा है और वो बड़े दिख रहे हैं। वैसे उम्र में 3 से 4 साल का इनका उम्र हो सकता है, और बहुत काटने वाले सांपों में इनको गिना जाता है। कौड़ी वाला
कॉमन उल्फ स्नेक कहा जाता है। ब्राउन शेड में इसको अड़ीधारिया दिखाई देती है आपको, बहुत ही चपटा मुंह, और ये चिपकली इसका पसंदीदा खाना होता है। और वैसे तो चिपकली जहाँ पर ज़्यादातर मिलती है पत्थर वगैरह उनके गैप में, लेकिन घर में बोले तो ये घर के बीच में गैप में होल में रहने की काफ़ी संभावना रहती है। इस वक्त ये रात में आके बैठे हो गए यहाँ पर, इनको मैंने पकड़ा है, बल्कि ये रात में ही घूमने वाला सांप है, दिन में बहुत ही कम मैंने पकड़े हैं। जैसे कि पहले ही आके बैठा है, इन्होंने सामान निकालते हुए इनको दिखाई दिया, इसलिए नहीं तो ये रात में आके इधर बैठे होंगे। और इनका मेटिंग सीजन में ये एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, इसलिए वो आए हैं। इत्तेफाक की कोई बात नहीं है, और ये ना ही छोटे बच्चे हैं। बंद करो, काउंट होता है ना, हाँ, तो निकालो थोड़ा थोड़ा। ए गुंडे वही है ना कड़े। हेलो हेलो, ऐसा मत निकालो। साका साका सं ये प्रॉब्लम कुछ नहीं करता, आपका फ्री में घर में चप्पली खाता है, जहरीला नहीं क्या नहीं, आपको पता नहीं होता। अभी और ये छोटा बच्चा भी नहीं है, नहीं है वो बड़ा सा, वो दिखने में ऐसा लगता तो आप छोटा बच्चा है, उसका बाप है क्या, माँ है क्या, ऐसा सोचते हैं। अभी ऐसे सोच रहे थे हम सब, नहीं तो ये चिपकली खाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो भी थोड़ा निकल, हम अपने हमारे घर के आस पड़ोस में आके जाओ बोलते, आपको पता नहीं रहे होता, वो डर एक रहता है। हाँ। वो सब प्रॉब्लम है, बंद करो चलेगा, और कुछ नहीं है अभी, बंद करो।